जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस, नाम तो सुना ही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आज की जो ट्रिक है वो है प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय एवं उनके देश एवं उनकी स्थापना। आप में से कोई एक ऐसा भी छात्र नहीं है जो ये बोल दे कि भैया ये तो एग्जाम में आता ही नहीं है, क्यों करा रहे हो भैया इसे, इसको फिर तो 101% ये एग्जाम में मिलता है। या तो इनका मुख्यालय पूछा जाता है या देश या दोस्तों इनकी स्थापना कब हुई थी। लेकिन दोस्तों आप में से कुछ लोगों को पढ़ने में ये काफी ज्यादा हार्ड लगते हैं, कठिन लगते हैं कि भैया इनकी हम या तो देश भूल जाते हैं या इनकी स्थापना भूल जाते हैं या ये कहां पर इनके मुख्यालय वो भूल जाते हैं। और बहुत से लोग तो इनको रटते हैं और बहुत से ज्यादा ट्रिक ऐसी होती है, लंबी लंबी ट्रिक होती है कि पूरी रामायण दोस्तों एक लाइन की रटवा देते हैं कि ये। लेकिन जब सिंगल को याद करने की बारी होती है तो उनकी सिट्टी पिट्टी सब गुल हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता है भैया कहाँ पर ये चीज है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अनलाइक कर देना, मेरी वीडियो आज के बाद कभी देखने मत। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए ना तो अपने दोस्तों में शेयर करना और मुझे लाइक करके या डिसलाइक करके जरूर बताना कि दोस्तों वीडियो कैसी लगी। तो चलते दोस्तों यहां पर और दिमाग की दोस्तों नस ना खुल जाए ना जब बताना, क्योंकि ये चीज इतनी आसान बना दूंगा मैं आपको कि आप भी ये बोलोगे अरे गुरुजी इतनी आसान होती है चीज। जी हाँ दोस्तों इतनी आसान होती है। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था ना वो भी अब पढ़ाई करेंगे और जो पढ़ाई से डरते थे ना अब दोस्तों यहां पर पढ़ाई उनसे डरेगी। आप तो है दोस्तों पढ़ाई पर आप हावी हो जाएंगे इस चीज को देखकर कि ऐसे भी हो जाता है क्या। जी हाँ दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा ओपेक, ठीक है भाई ओपेक। अब दोस्तों ओपेक है तो इसकी भैया हमें क्या पता ओपेक के बारे में, हमें तो कुछ नहीं पता है कि इसकी स्थापना कब हुई, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जब मैं दोस्तों यहीं से निकालूंगा ट्रिक की क्या चीज है इसकी तो आपका दिमाग खुल जाएगा। चलिए अब ज्यादा बकवास नहीं करते, चलते ट्रिक पर दोस्तों। ओपेक, अब जब आप कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो भैया पैक तो खुलता ही है, ये तो आप सभी जानते हैं भैया, बिना पैक की तो शादी एक बेकार सी लगती है, बिना पैक तो चलता ही है भाई। तो क्या है, दूल्हा भी खड़ा है, दूल्हे के दोस्त भी खड़े हैं तो बोल रहे हैं ओ पैक बना यार, दूल्हे से बोल रहे हैं अरे यार पैक बना यार तेरी शादी है यार क्यों पैक नहीं बना रहा है। दूल्हा बोला क्यों बनाऊ पैक, बोल रहे ओ पैक रे ओ पैक बना यार, बोले क्यों बनाऊ, बोला तेरा ब्याह ना आज, ब्याह समझते तो शादी, ब्याह ना है तेरा आज, क्यों नहीं बनाएगा तू, ब्याह ना है तेरा आज। तो बियाना, लो भैया बियाना, इसका मुख्यालय कहां पर हो गया, बियाना में। मुख्यालय कहां पर हो गया, बियाना में। अब बोल रहा आगे क्या, बियाना है तेरा आज, तेरा तो तेरा देश शामिल है ओपेक में। जी हाँ ये मजाक नहीं चल रहा है, ये ट्रिक है और आपको याद हो गया सब चीज कैसे, ओपेक में मुख्यालय कहां पर है, बियाना में। और दोस्तों कितने देश शामिल है, तेरा, और किसका भी है आज, आज आज इसका ब्याह है और हम आज तेरे साथ है, क्या है साथ है। तो 1960 में इसकी स्थापना होती है। अब कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिए कि ये चीज इतनी आसान आपने कब पढ़ी थी, आखिर इतनी आसान तो कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता यार, थोड़ी सी मेहनत है बस थोड़ी सी यार, क्योंकि भैया 30,000-35,000 सैलरी पाने के लिए इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतनी सी मेहनत। ये आपको याद हो गया, अब आप भी अपने भाई को छोटे भाई को बड़े भाई को बोलेंगे अरे स्टडी फॉर जीएस को सीख के आया हूं, देख कैसी खतरनाक ट्रिक है, ओ पैक बना, क्यों बनाऊ पैक, अरे बयाना है तेरा आज, तो बयाना मुख्यालय हो गया, क्यों तेरा, तो तेरा देश शामिल हो गए। अब हम साथ साथ पी रहे मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं इसमें। तो 1960 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगर पसंद आया तो लाइक दो, ठोकिएगा। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है UNDP, इसकी स्थापना कब हुई है और भैया इसका मुख्यालय कहां पर है, देश कितने हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए दोस्तों UNDP का दोस्तों जो यहां मुख्यालय है वो कहां पर, कैसे याद करेंगे दोस्तों UNDP, यहां पर क्या आ रहा है DP, और DP आप कहां लगाते हैं, व्हाट्सएप पर बोलते हैं भाई आज तो मैंने अपनी नई DP लगाई है, न्यू DP लगाई है, बिल्कुल न्यू, तो न्यू से क्या हो गया न्यूयॉर्क, क्या न्यूयॉर्क हो गया भैया न्यूयॉर्क, न्यू DP लगाई दोस्तों मैंने यहां पर। और कब लगाई है, एक साथ मैंने सभी DP लगा दी, एक साथ काट दी मैंने, एक साथ साथ करके मैंने सारी DP चेंज कर दी, एक साथ साथ करके, तो एक साथ साथ इसमें देश है, एक साथ साथ इसमें देश है भैया। और दोस्तों इसका जो यहां पर इसकी स्थापना होती है कब होती है, कोई मुझे बताएगा इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1965 में, ठीक है 1965 में स्थापना को थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, बाकी चीज तो आपको याद हमने करा ही दी है। अब आगे चलते हैं, आगे है WHO,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है। इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है, इस मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों देखिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोस्तों जब किसी को स्वास्थ्य नहीं मिलता है तो उसकी क्या चली जाती है भैया, उसकी जान चली जाती है। जब किसी को सही से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा टाइम पर, तो स्वास्थ्य संबंधित कोई दोस्तों उपचार नहीं मिलेगा, यानी दवाइयां वगैरह नहीं मिलेंगी, तो उसकी क्या चली जाएगी, बेचारे की जान चली जाएगी। तो ये दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर होगा, जान से जेनेवा में, क्या पर हो गया, जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय हो गया। और दोस्तों इसकी स्थापना आप सभी को पता है भैया WHO की, जो ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको स्थापना ना पता हो, 1948 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसका देश याद करने की ट्रिक क्या है, इसको दाब दीजिए भैया 8 को, जो बाकी का 194 बच्चा है इसको यहां छाप दीजिए, इतने इसमें देश शामिल है। समझ में आया नहीं आया मुझे बताइए, समझ में आया नहीं आया, अरे यार अब तो लाइक ठोक दीजिए, ऐसे लाइक करते हैं चैनल को। फिर आगे दोस्तों आसियान, ठीक है, आसियान दोस्तों क्या बोलते हैं भैया, जब सिर पर किसी का आसियाना नहीं होता ना, जब किसी के सिर पर आसियाना होता तो क्या बोलता है, या जी करता है भाग जाऊं, क्या जी करता है यहां से भाग जाऊं, जब मेरे सिर पर कोई आसियाना नहीं है, किसी का आसियाना नहीं है, तो जी करता है भाग जाऊं, तो जी करता से जाकार्ता, क्या दोस्तों, जाकार्ता या जी करता यहां से भाग जाऊं। और दोस्तों कहां, कम से कम 10-20 दिन के लिए घर से भाग जाऊं, 10-20 दिन, यानी 10 देश इसमें शामिल है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1967 में इसकी स्थापना होती है। जी करता है भाग जाऊं 10-20 दिन के लिए घर से, 10 दिन के लिए भाग जाऊं घर से, आसियान नहीं है तो क्या करें, जी करता है 10 दिन के लिए भाग जाऊं यहां से यार घर से। और किसी का 6-7 लोग मिल जाएंगे मुझे संभालने के लिए, किसी का 6-7 लोग मिल जाएंगे, ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सभी की स्थापना 1900 में होती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों IMF दोस्तों क्या है, विश्व इसका दोस्तों फुल फॉर्म, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है, यानी दोस्तों विश्व, इसकी दोस्तों क्या है, इसका मुझे बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं इसको हिंदी में। तो मुद्रा, जब आपकी जेब में दोस्तों मुद्रा होगी तो दोस्तों क्या हुआ, आपकी जेब मुद्रा पड़ी हुई है तो वो दोस्तों क्या कर दी, मम्मी ने क्या कर दी, वॉश कर दी, तो वॉश से वॉशिंगटन डीसी। जब दोस्तों आपकी जेब में मुद्रा पड़ी हुई है तो वो क्या होगी, वॉश होगी मुद्रा। और दोस्तों आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, मुद्रा जब वॉश हो जाएगी तो दोस्तों आपको यहां पता चल जाएगा, पता से क्या होगा, 1945 पता चला भाई आपको, तो आप में क्या लगेगी दोस्तों, आप क्या करेंगे भैया, आप बोलेंगे मम्मी से, मम्मी मुद्रा आपने तो भिगो दी पूरी तरह, खराब हो गई वो, तो अब क्या करूं मैं, तो मम्मी आपको डांट लगेगी, तो 188 मम्मी कहेगी उठा उसे और निकल यहां से, तेरे मम्मी फेंक के मारेंगे पैसों को, ले पकड़ इसको, उठा इसे और निकल यहां से। अरे भैया थोड़ा सा तो लगा ही सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि कोई कहानी से याद करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आपको ये सब चीज जिंदगी भर के लिए याद रहेगी। मम्मी बोलेंगे ले पकड़ अपनी मुद्रा और उठा इसे, उठासी एक ही बात है, 45 पता चलेगा बस। ये दोस्तों आपको सारी चीज एक ही बार पता चल जाएगी। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये चीज आपको याद हुई या नहीं हुई, एक बार रिवीजन करा देता हूं। ओपेक मना क्यों, क्योंकि तेरा वियाना है आज, तेरा किसका भी है, तेरा 1960 आज साथ, अब हम साथ हैं तो साथ मिलकर पियेंगे। UNDP मैंने नींव लगाई है, ठीक है, और मैंने एक साथ साथ सारी डीपी निकाल के देख ली, मुझे ये वाली डीपी पसंद आई, 1965 में इसकी स्थापना होती है। बात करेंगे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जब किसी को स्वास्थ्य नहीं मिलता तो उसकी जान चली जाती है, ठीक है। और दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना होती है, और इसका 48 को दाब दीजिए, 194 इसके देश शामिल है। बात करेंगे आसियान, जब किसी के सिर पर आसियाना नहीं होता तो करता जी करता है यहां से भाग जाऊं 10 दिन के लिए भाग जाऊं, मुझे 6-7 लोगों का साथ मिल ही जाएगा, 6-7 लोगों का मुझे साथ मिल ही जाएगा। IMF दोस्तों जब किसकी आपकी विश्व मुद्रा कोष जो है, जब आपकी मुद्रा जेब में रह जाती है पैंट वगैरह में, तो मम्मी उसे वॉश कर देती है, और जब आपको पता चलता है पता 45, तो दोस्तों मम्मी कहती है उठा इसे,
88। बस दोस्तों अगर ट्रिक पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और ट्रिक के लिए दोस्तों स्टडी फॉर जीनियस के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और आपको दोस्तों मैं कसम खाता हूं कि आपको इतनी आसान दोस्तों इन चीजों को बढ़ा दूंगा कि आपने कभी सोची ना होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं ठोका तो लाइक ठोक के और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।